हेलो बच्चों, कैसे हैं? नाम है इनका नरेंद्र मोदी। करके रहते हैं ये ठान ले जो भी। बहुत अच्छे हैं इंसान, बहुत अच्छे हैं इंसान। इनकी मेहनत से इन्होंने देश को बना दिया है बहुत ज़्यादा बलवान। ये है बहुत महान, ये है बहुत महान। सीएस कोर्स का करते हैं ये ढेर सारा सम्मान, इसीलिए इतने सारे एरियाज ओपन कर दिए हैं सीएस के कोर्स के लिए। तो ऐसे महान इंसान को मैं नमन करता हूं। मैं बात कर रहा हूं अपने देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी की। और यस, ये वीडियो है, प्लीज, नरेंद्र मोदी ने मुझे पैसे नहीं दिए कि दुष्यंत ये वीडियो बनाओ, बट मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मुझे जो लगता है मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहूंगा। सबसे पहले तो वो यूथ आइकॉन होने चाहिए। यूथ आइकॉन इसलिए होने चाहिए क्योंकि मैं अपने कहीं ना कहीं वीडियोस में बोलता हूँ कि जो बंदा 15 से 20 घंटे काम करता है देश के लिए, तो वो अमेजिंग है। हमको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि बिना छुट्टी लिए, संडेज वनडेज मैटर नहीं करते, जिनके लिए इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यूथ आइकॉन होने के उनमें हर एक गुण है। किसी प्रकार का उनको कोई एडिक्शन नहीं है, कोई शौक नहीं है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका देश। तो क्यों ना हम उनको अपना सब कुछ माने, उनसे उनको देख के इंस्पायर हों कि भाई परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने लक्ष्य के प्रति अपने को आगे बढ़ना चाहिए। सो बच्चों, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप भी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया का यूज करें। 2019 में मोदी चाहिए हमें। वी नीड मोदी, दिस कंट्री नीड्स मोदी, दिस वर्ल्ड नीड्स मोदी। एंड बिलीव मी, इफ मोदी इज नॉट देयर, अगर मोदी नहीं है तो बच्चों कौन वहां पे है वो समझ में नहीं आएगा। एंड आई कैन नॉट लिव इन अ कंट्री यू नो विच इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर्स लाइक राहुल गांधी वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, तेजस्वी यादव वुड बी द एजुकेशनल मिनिस्टर, अखिलेश यादव वुड बी द डिफेंस मिनिस्टर, ममता दीदी विल बी द होम मिनिस्टर। बच्चों ये नहीं, बच्चों वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अवर कंट्री टू बी यू नो अंडर द रूल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, जिनके लिए देश कभी मायने नहीं रखता, जिनकी खुद की प्रॉपर्टीज अरबों और खरबों और कितने रुपए की है बच्चों, ठीक है। और वो भी बच्चों पैसा आप कमाइए, अच्छी बात है, बट मेहनत का कमाइए। इन लोगों ने क्या मेहनत की है बच्चों, इनसे ज्यादा स्किल तो अपन लोग हैं, यस आप लोग हैं। तो प्लीज आप अपने से सुपीरियर इंसान को देखिए। मोदी जी इज द बेस्ट। मैं चाहता हूं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके दोस्त यार सब सोशल मीडिया पे मोदी जी को प्रमोट करें, जरूरी है। अब एक और चीज, सीएस कोर्स और मोदी जी में क्या, मोदी जी ने हमारे कोर्स के लिए क्या किया है बच्चों, मैं बताता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया था और मोदी जी ने क्या किया। 2013 में आप सबको पता है नया कंपनीज एक्ट कांग्रेस की सरकार ने ड्राफ्ट किया था बच्चों। और वो कंपनीज एक्ट जब ड्राफ्ट हुआ था तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, उन्होंने बताया था कि प्राइवेट कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी की कैपिटल कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्राइवेट कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। और पब्लिक कंपनी को भी कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत कब है, जब पब्लिक कंपनी की पेडअप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है। इतना घटिया डिसीजन था ना बच्चों। सचिन पायलट उस समय मंत्री था कॉर्पोरेट अफेयर्स का। आई एम सॉरी, जो राजस्थान के लोग हैं उनके आइडल हैं, बट हमारे लिए तो उन्होंने गलत कर दिया भाई। 10 करोड़ की पेडअप कैपिटल वाली कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी और प्राइवेट कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए। यस प्राइवेट कंपनी है, इसके बावजूद कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती, बट आपको ये काढ़ी करने की जरूरत क्या, आपको हमारे प्रोफेशन से क्या चिड़ है। उसके बाद इलेक्शन हुए और सचिन पायलट हार गया, जो उसको हारना चाहिए था क्योंकि उसने अपने प्रोफेशन के साथ गलत किया था। अगेन, पर्सनल लाइफ में सचिन पायलट कैन बी वेरी गुड इंसान, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, बट आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। उसके बाद बच्चों बीजेपी की सरकार बनी, कुछ 13 मई को शायद रिजल्ट आए या 13 मई को इलेक्शन हुए, 26 मई को शायद शपथ विधि हुआ, हो सकती डेट्स थोड़ी सी इधर उधर हो बच्चों। अरुण जेटली टुक ओवर एज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, ही टुक चार्ज एज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। और उनके चार्ज लेने के 15 दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें यह कहा गया कि भाई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसकी पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो उसको सीएस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये फेवर हमारे प्रोफेशन के ऊपर सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा एहसान किसने किया, एहसान नहीं बोलूंगा बट एक जो हमारा हक था वो हमें दिया अरुण जेटली ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जैसे ही गवर्नमेंट बनी वैसे ही। उसके बाद अगर हमारे सीएस प्रोफेशन में देखें तो कितने सारे नए एरियाज, कितने पुराने लॉज हैं जिनको रिवाइव करके हमको नई नई चीजें मिल रही हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, फेमा में बहुत सारा
काम अभी नया काम हमारे पास आया है, देन स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप मेक इन इंडिया, इतनी सारी स्कीम्स है जिसके अंदर सीएस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जीएसटी के अंदर हमें बहुत अच्छा रोल दिया गया है। और भैया मोदी हैं तो कंपनी लॉ में भी इतने अमेंडमेंट करते रहते हैं, इतने अमेंडमेंट करते रहते हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप, प्रैक्टिसिंग का स्कोप कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और हमारी आईसीएसआई ने तो सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर डाला है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। तो बच्चों इतना भयंकर सब्जेक्ट है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए जिसके अंदर सीएस को यू नो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया गया है। तो बच्चों खतरनाक है ये आदमी, मतलब ये आदमी अगर 2019 में भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिए हमारा प्रोफेशन बहुत आगे जाएगा। और पता नहीं राहुल गांधी अगर या ऐसे कोई लोग बच्चों ऐसे देश मतलब ऐसे लोग अगर दूसरे लोगों के हाथ में अगर सत्ता की बागडोर आती तो पता नहीं बच्चों देश का क्या होगा। मैं आप सबसे तहे दिल से गुजारिश करता हूं, प्लीज प्रमोट मोदी। हो सकता है आपको मोदी जी पसंद नहीं हो सकता है उनकी पॉलिसी पसंद ना हो सकता है ऐसा कई लोग हैं बच्चों। हमारी इंडिया बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी के अपने ओपिनियन है, बट देश हित में मेरे ख्याल से वी हैव टू कम टुगेदर बच्चों। और किसी ने बहुत अनुपम खेर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो लोग मोदी के विरोधी हैं आप बस एक क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि अगर आपका बेटा होता है तो आप क्या चाहते हैं, वो राहुल गांधी बने या नरेंद्र मोदी बने। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। और प्लीज मैं बोलता हूँ हम सब यूथ लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा मैं यूथ हूँ ना, 33 का हूँ तो यूथ बोल सकता हूँ। राहुल गांधी 50 में अपने आप को यूथ बोल सकता है तो मैं तो 33 हूँ। सो वी ऑल यूथ शुड कम टुगेदर एंड वी शुड वोट, वी शुड इलेक्ट मोदी। एंड बच्चों आग लगाना है बच्चों, एक नया भारत बनाना है, अपने प्रोफेशन को नए मुकाम पे पहुंचाना है, इसलिए मोदी जी को लाना है बच्चों। थैंक यू सो मच, लव यू।